Are you ready? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इदरीस अमीन साहब, जो कि ये पूरा ऑर्गेनाइज़र हैं JCL सीज़न 3 के, और इससे पहले भी जो सीजन्स हुए हैं उनको लेके चले हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस, क्या कहेंगे आज का जो आज खसूसी दिन है JCL 3 का, आज ऑक्शन सेरेमनी था, आप क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छे तरीके से हो गया। सारे स्पॉन्सर्स, सब टीम, सब ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। आसिफ भाई ने, अल्ताफ भाई ने, टाइटल स्पॉन्सर्स थे हमारे GFS बिल्डर, फैजान स्टील, उनका भी शुक्रिया करूँगा। बाकी सारे स्पॉन्सर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी इवेंट सक्सेसफुल जब भी होता है जब बैक में आपके पास अच्छे स्पॉन्सर हों। उनका सपोर्ट था तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट हो गया। अच्छा, जो 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 लड़के रह गए, और जैसे मुझे जब मेरी नॉलेज है 165 या 175 बच्चे थे जिनके अंदर से कुछ 60-65 सेलेक्ट हुए या 70 के करीब सेलेक्ट हुए, 80 बच्चे तकरीबन सेलेक्ट हुए, तो वो जो जो रह गए हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि उनको किस तरह से आइंदा के लिए वर्किंग करनी चाहिए? देखें, चार ही टीमें थी, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम एक टीम और बढ़ा दें, और उन लड़कों को यही कहूँगा कि वो मैनेज करते रहें। इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएंगे, क्योंकि जो इस बार सेलेक्ट हुए तो कुछ नेक्स्ट लास्ट ईयर वो नहीं थे, जो थे वो हट गए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। जो जैसी जैसी परफॉर्मेंस होगी उस तरह से लड़के ऊपर आते रहेंगे, और हम तो वैसे ही जयपुर की टीम को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे काम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।